मांग तो यही थी कि गरीब आदमी है, डेढ़ दो बीघे जमीन है उसके, तीन चार लड़की हैं, जवान जवान बच्ची है। अब सरकार के खजाने में कोई कमी तो है नहीं, अगर दे दे। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन से आश्वासन मिला है, पर जो चाह रहे थे उस तरह का आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि SDM साहब हैं, CO साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, आसपास के थाने के भी हैं, वैसे उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार, जैसे जनता परेशान हो रही थी उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार जाम तो खुलवा दिया। अब देखो प्रशासन इन परिवार की कितनी मदद कर पाओगा, कितनी नहीं कर पाओगा। क्या क्या मांग प्रशासन से रखी गई थी? मांग तो यही थी कि भाई गरीब आदमी है, तीन बच्चे हैं, 10-20 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से मिल जाए, और एक किसान दुर्घटना बीमा है वो तो मिलना ही मिलना है, जो एक सरकारी राहत कोष हो जिसे DM को परमिशन हो, DM साहब को, वे कितनी मदद कर सके इनकी। एक लाइन ऑर्डर अधिकारी हो SDM, यहाँ SDM के पास भी एक राहत कोष हो, वे भी अपने उससे अनुदान कर सकें। ठीक है। हाँ, आज ये मुजफ्फरनगर ये पुराना हाईवे पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक साइकिल सवार की मौत हो गई है दुर्घटना में, तो लोगों द्वारा उनके परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता की बात की जा रही है। उसके परिवार में उनकी तीन बच्चियाँ और एक बच्चे भी हैं, तो चूँकि ये किसान भी है, 2 बीघा खेत बताया गया इनके द्वारा, तो इस पर नियमानुसार जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना होती है उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाने की सब्सिडी की। जाम लोगों द्वारा तात्कालिक रूप से दुर्घटना जब होती है तो एक आक्रोश में एक उसमें लगाते हैं लोग, तो बातचीत हो गई है, हो ही रही है लगभग। नौकरी की मांग की जा रही है, कोई ऐसा शासन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, फिर भी इन पर विचार किया जाएगा, जो भी अगर इनके बच्चे कहीं योग्यता में होंगे और अगर कोई ऐसी बात हो सकती तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। क्योंकि ये एक व्यक्ति ने अपने सड़क एक्सीडेंट में जान से हाथ धो दिए, उसमें जो ड्राइवर है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी कब्जे में है। पारिवारिक वाले अभी कुछ मांग कर रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत जो उनकी आर्थिक मदद की जा सकती है वो की जाएगी और सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जल्दी ये सब वैधानिक कार्रवाई करके इसको फिनिश किया जा रहा है। थैंक यू।